हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चली गया कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और थोड़ा सा डिफरेंट तो लगेगा ही लगेगा। आज से पहले यूट्यूब पे किसी ने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया है। मे बी किसी ने किया हो बट मैंने नहीं देखा है। अगर किसी ने किया है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बताएं, मैं जरूर देखूंगी उनका वीडियो। और जैसा कि आप लोगों को पता चली गया है कि मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया मेरे प्रियादी ब्लॉग चैनल का। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? बाय द वे सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं। आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारा जो सिल्वर प्ले बटन आया है उसके लिए हम केक कटिंग करने वाले हैं पब्लिक प्लेस में, बस स्टॉप पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो हम वहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। देखते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है, हमारी प्यारी जनता कैसे रिएक्ट करती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, में भी हम लोग 12 या 1 बजे तक चले तब तक ज़्यादा भीड़ रहेगी। ठंडी का सीज़न है तो 10 या 11 बजे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहने वाली जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे तो आना जाना सबको लगा रहता है ना, तो टाइम का क्या है यार, कोई कभी भी आ जा सकता है। बट मुझे लगता है बच्चा भी मेरा छोटा सा है तो मैं इसको लेके सर्दी में नहीं जा सकती, इसलिए हम लोग यहाँ से निकलेंगे 12:30 या 1 बजे। इसके बाद वहाँ पर जब भी पहुँचेंगे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। आज हमें, आज है मंडे और आज दीप ने लीव लिया हुआ है, आज दीप ऑफिस नहीं गए हैं। हमने कहा आज प्लीज़ मत जाइए, भैया को छोड़ने जाना है, मेरे भाई को छोड़ने जाना है क्योंकि उसकी कोचिंग स्टार्ट हो गई है आज से ही, कल ही जाने वाला था बट हम लोग कल नहीं जाने दिए उससे, तो इसीलिए। और चलो हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं। देखिए मेरे होंठ की बैंड बज गई है, मुझे 1-2 पिंपल्स के दाग हो गए। पिंपल्स हो गया था तो मैं कैमरे से दूर हो गई थी तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। और ये मेरा स्वेटर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा आई नो, बट इसका लिंक मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरे पिछले साल की ठंडी का स्वेटर है और इसमें मैंने एक लुक भी निकाला था, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। मैंने आप लोगों का 2 मिनट ले लिया, सॉरी फॉर दैट। अब चलो जल्दी से हम रेडी हो जाते हैं, इसके बाद चलते हैं, देखते हैं जनता जनार्दन का रिएक्शन क्या होता है। आप लोग एक्साइटेड हो ना? जल्दी जल्दी कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज इन फ्यूचर आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और कोई वीडियो रिक्वेस्ट या हो सजेशन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करना गाइज। मैं आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग जो कमेंट करते हो और जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होता है ना मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाती हूँ। तो चलो कुछ देर बाद मैं रेडी होती हूँ, अभी थोड़ा सा जाऊँ बाबू को तैयार कर दूँ, उसको स्लाइड पर जाना है, इसके बाद मैं रेडी होती हूँ, तब तक लिए बाय। सो गाइज चलो फटाक से रेडी हो जाते हैं। मैंने लेस पेन लिया हुआ है तो सबसे पहले मैं टोनर यूज करूँ जो कि है जीवी का ग्लो टोनर, हनी वाला है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं कुछ खास नहीं करूँगी फेस पे, बस स्किन केयर ही करूँगी बिकॉज स्किन केयर ज़रूरी होता है। आई एम सुपर एक्साइटेड, देखती हूँ पब्लिक क्या रिएक्ट करती है। भाई ने आइडिया दिया मुझे कुछ। अब मैं यूज कर रही हूँ सनस्क्रीन मैट फिनिश SPF 55 जो की है वाओ की, और खत्म हो गई है इतना सा। सो गाइज अब मैं लिपस्टिक यूज कर लूँ जो कि है डार्लिंग इसाबेला की लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 11 और आज आपको बाय वन गेट वन मिल जाएगी। 136 रुपये में आपको 2 लिपस्टिक मिल जाएगी और काफी गुड क्वालिटी की लिपस्टिक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, सो इफ यू वांट यू कैन बाय इट। न्यूड शेड है, लास्ट स्टेप गाइज मैं मेरी आईब्रोज को फिल कर ले रही हूँ। रूम में कोई लाइट नहीं है, सनलाइट भी ठीक से नहीं आ रही इसलिए वीडियो काफी अजीब सा दिख रहा है, लाइट नहीं है आज। सबसे पहले मैं इस स्पूली की हेल्प से आईब्रोज को सेट कर ले रही हूँ, इसके बाद एक ब्रो पोमेड ले रही हूँ जो कि है मिस रोज का। इसमें आपको 2 आईब्रो के एक ब्रो पोमेड मिल जाता है, बस सो गाइज अब चलो हम चलते हैं।
आ गए हैं रेलवे स्टेशन चार बार, पर दीप मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं इसी कार में हूँ, आप लोग जाओ कट करो, अब समझाओ इन लोगों इनको समझाओ, बताओ ऐसे ही सरवाएंगे तो कैसे काम चलेगा, सर वीरे बन के बैठे हैं, बोल रहे हैं दुल्हन नहीं नहीं आती है तो कुछ दिन शर्माती है, बेटा रुक जाओ, और इधर मेरा बेटा है देखो केक वेक वो करके बैठा है, हम लोग केक ऑर्डर कर दिए थे कहाँ से स्विगी किए थे, जो मैं तुम्हें बोल रही थी स्विगी, अरे अभी यहाँ पर मत लगाओ, नहीं बेटा कार इसमें देखो इन्होंने मोमबत्ती लगा दी। सो गाइज अब हम लोग चल रहे हैं कट करने केक, तो चलो चलते हैं दीप चलो, और ये देखो बाबू क्या कर रहा है, ये सजा रहा है, बोल रहा है नहीं बेटा इसमें हम जलाएंगे नहीं, नहीं जलाएंगे हम इसको, ये देख रहे मोमबत्ती लगा रहा है, मोमबत्ती में चलो ठीक है, नहीं हम ले जाएंगे मोबाइल, भाई ले जाएगा करेगा तभी तो पब्लिक का रिएक्शन समझ में आएगा, करें तो मुझे मोबाइल में पकड़ा रहूंगा, हाँ पकड़ा रहूंगा पकड़े रहूंगा, मेरा अच्छा लगता है ना तो चल, अरे आप अपने बहाने अपने पास में रखो ठीक है, ये देखिए सब सोच रहे हैं क्या हो रहा है, बीच सड़क पे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, और इनको होटल नहीं मिला या घर नहीं मिला केक कट करने को, जो ये लोग आ गए हैं सड़क पे, देखो पुलिस वाले अंकल को देख लो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ देखिए दो भाई लोग बैठे हैं आराम से, देखिए 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 ये देखिए लोग हमें ही देख रहे थे जब तक हम लोग यहाँ थे, तब तक एक को देख रहे हो वहाँ पर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अभी पता नहीं कैसे वो सारी रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई, वो लोग अच्छे से देख रहे थे और मुझे लग रहा था कि हुआ है वो सारा रिकॉर्ड, बट नहीं हो पाया, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्या है ना ऐसी जगहों पे लोग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, सीधी सी बात है, पब्लिक प्लेस पे कहें मतलब रेलवे स्टेशन पे लोगों को अपना ही धुन लगा रहता है ना, उनको घर जाना है, देखो अंकल जी देख रहे हैं कि घर जाना है उनको, अपना काम करना है, तो इसके लिए ना पार्क वगैरह सब ठीक रहता है जहाँ पर लोग बैठे रहते हैं वो रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर तो खुद ही दौड़ भाग लग रही थी कि जल्दी घर जाएं, देखो दीदी को तो नेक्स्ट आप लोग क्या देखना चाहते हो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, तो अब हम लोग चल रहे हैं क्योंकि पूरा केक तो खाना नहीं है, कोई और वीडियो रिक्वेस्ट या और सजेशन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, देखो पुलिस वाले भैया को सो गाइस आप लोगों ने देख लिया ना, दीप ने सारा मज़ा खिड़खिरा कर दिया, बड़े शर्मीले बन गए थे आज, कुछ करने ही नहीं दे रहे थे, छोड़ो ना सो अब हम लोग चल रहे हैं, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, ऐसे था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, आशा करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को और कोई वीडियो देखना है तो बताइएगा जरूर, मैं सोच रही हूँ कुछ प्रैंक वीडियोस निकालने का, क्या कह रहे हो आप लोग जल्दी से बताइए, आप लोग चाहते हो मैं प्रैंक वीडियोस निकालूं तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून।